नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भूमि में पाए जाने वाले केंचुए मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। केंचुआ पौधों की जड़, पत्ती, तने एवं खेत के अन्य कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके खाद में परिवर्तित कर देती हैं। केंचुआ द्वारा तैयार यह खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि। वर्मी कंपोस्ट किसी भी छायादार स्थान पर तैयार किया जा सकता है। यह स्थान ऐसा हो जहां पानी न एकत्र होता हो। वर्षा में इस स्थान पर छप्पर आदि डालना जरूरी होता है ताकि केंचुओं को पानी की अधिकता में दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम 6 फुट लंबे, 3 फुट चौड़े तथा 3 फुट गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार गड्ढों की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे की तली में 3 से 5 सेंटीमीटर मोटाई की ईंट या पत्थर गिट्टी की तह बिछाते हैं। उसके ऊपर बालू की 3 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की तह बिछाते हैं। बालू के ऊपर 12 से 15 सेंटीमीटर मोटाई में अच्छी खेत की छनी हुई मिट्टी की तह बिछाकर बराबर कर देते हैं। इस मिट्टी के ऊपर पानी छिड़क कर नम कर देते हैं। मिट्टी में 25% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह गिट्टी, बालू एवं मिट्टी से बनाई गई तह या केंचुए का बिछौना कहलाता है। इसके बाद बनाए गए गड्ढे में 8 से 10 जगह गोबर के छोटे छोटे ढेर बना देते हैं। इनके ऊपर एपीजेइक एवं एनिसिक वर्ग के 50-50 केंचुए डाल देते हैं और इसे पुआल आदि से ढक देते हैं तथा नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़क देते हैं। अब इस यूनिट को 20-25 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिर्फ नमी बनाए रखने हेतु पानी छिड़क देते हैं। अब इस यूनिट में 20-25 दिनों में केंचुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। यही केंचुए आगे गड्ढे में खाद बनाने में सहयोग करते हैं। अब इस गड्ढे में कूड़े, कचरे और गोबर डालते हैं। गोबर केंचुओं का भोजन में काम आता है। साथ ही डाला जा रहा एग्रो या किचन वेस्ट को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों कर ले जो आकार में 2 इंच से बड़े ना हो। यदि आकार बड़ा हुआ तो कंपोस्ट बनने में अधिक समय लगेगा। जब गड्ढा भर जाए उसे पुआल या टाट के बोरों से ढक लेना चाहिए तथा नमी बनाए रखने के लिए गड्ढा में प्रतिदिन पानी डालते रहना चाहिए। इस प्रकार से 3 माह में खाद बनकर तैयार हो जाता है। ये तो थे कंपोस्ट खाद बनाने की हमारी सामान्य जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।